नमस्कार, मैं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। राजनीतिक संरक्षण बना वरदान, बधावा सरपंच सचिव को नहीं रहा कानून का डर। पंचायत में सरपंच के भ्रष्ट कारनामों की हुई जांच, भारतीय सर्व सेवा संगठन के महासचिव द्वारा किया गया खुलासा। जांच कमेटी ने मामले को लिया गंभीरता से। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले अंतर्गत रायपुर करचुलियान तहसील के बंधवा पंचायत से है। और अन्य दस सौ रुपए में दस का काम हुआ है। आप सर जानते हैं, इसका एक कॉपी बना के दे दीजिएगा, मैं दे रहा हूँ, मैं भी दे रहा हूँ। बाकी इसमें जो कार्रवाई लिखी जाएगी, मैं चल के देख लेंगे। इसमें जो कार्रवाई लिखी जाएगी सिर्फ मनरेगा के तहत जो कार्य है उसको लिखा जाएगा। तो मनरेगा वाले को पैसा नहीं मिला है, हाँ वो लिखा जाएगा। लेकिन हाँ, जो मैं आपको डायरी दिखाऊंगा काफी, जो वर्कर जो काम किए हैं, जो मजदूर काम किए हैं, वो अगर स्वयं खड़े होकर बोलेंगे हमने काम नहीं किया पैसा मिला, वो कार्रवाई लिखी जाएगी सर। दूसरे कहने जो काम नहीं किए पैसा मिला, जो काम किया उसका नहीं मिला, वो खुद बोले। आप बोले जो काम किया उसका आपको बता दें कि पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा किए गए मनरेगा मजदूरों के पैसे में फेरबदल का मामला प्रकाश में आया है। सूत्रों के अनुसार पता चला कि बधवा पंचायत के सरपंच द्वारा मनरेगा मजदूर के पैसे लाभार्थी को ना देकर दूसरे खातों में पैसे डालकर उसका गमन कर लिया गया, जिससे दुखी गरीब जन भारतीय सर्व सेवा संगठन के पास अपनी समस्या को रखी थी तथा संगठन द्वारा जांच का आवेदन दिया गया था, जिसमें आज बधवा पंचायत में जांच कमेटी ने पंचायत की जनता से मनरेगा हितग्राहियों से पूछताछ कर किए गए भ्रष्टाचार का विवरण लिया। आपको बता दें कि संगठन के महासचिव सुशील मिश्रा ने गरीबों की तरफ से उनकी मजदूरी वापस दिलाने का हर संभव प्रयास किया तथा जांच कमेटी के सामने पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। ग्रामीणों ने आगे चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर प्रशासन पंचायत में हुए भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश करता है तो सभी ग्रामीण तहसील कार्यालयों का घेराव करेंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।